हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल नॉलेज इज पावर। तो आज हम क्लास 8 का एक डू दिस को सॉल्व करेंगे। सो ये आपका पेज नंबर 40 में आपका एक डू दिस है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें ये प्रूव किया गया है कैसे क्वाड्रिलेटरल्स का सारा एंगल मिला के आपका 360 डिग्री बनता है। तो उसके लिए क्या करना है, पहले आपको चार छोटे कार्डबोर्ड्स लेना है पेपर के, और उस कार्डबोर्ड्स के ऊपर, कोई भी एक कार्डबोर्ड के ऊपर आपको क्या करना है, एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है। पॉसिबली ये बेहतर है कि आप सारा जो डिफरेंट एंगल वाला क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कीजिए, ना कि कोई स्क्वायर या कोई ऐसा सेम एंगल 90 डिग्री टाइप का एंगल का कोई का मत ड्रॉ कीजिए। डिफरेंट एंगल्स के साथ एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कीजिए और उसी के लाइनिंग के साथ आप फिर उसको कट कीजिए, चारों कार्डबोर्ड को उसी हिसाब से कट कीजिए। और फिर क्या करना है, आपको उन जो एंगल्स है उसको नंबरिंग करना है, 1, 2, 3, 4 करके नंबरिंग करना है ईच कार्डबोर्ड का, जो कॉन्ग्रुएंट एंगल्स है, कॉन्ग्रुएंट साइड्स है एंगल्स, तो उसको 1, 2, 3, 4 करके नंबरिंग करना है। जो इक्वल साइज का एंगल है उसको इक्वल नेम देना है, अलग नाम नहीं देना है, जैसे आप देख सकते हो। और क्या करना है, फिर आप उन्हीं सारे जो आपके एंगल्स है, 1, 2, 3, 4 जो एंगल्स क्रिएट हुए चारों कार्डबोर्ड में, तो सारे का एक एक एंगल, एक कार्डबोर्ड का एंगल नंबर 1, दूसरे का एंगल नंबर 2, तीसरे का एंगल नंबर 3 और चौथे का एंगल नंबर 4 को ज्वाइन करने की कोशिश करना है, राइट। तो फिर आपको, आप देखोगे जैसे ही आप ज्वाइन करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो 360 डिग्री का एंगल क्रिएट हो जा रहा है, यानी कि सारे जो आपके उनमें गैप्स नहीं रह रहा है, यानी कि ये एक 360 डिग्री का एंगल क्रिएट हो गया, एक डॉट पे वो सारा मैच कर जाएंगे। तो इसके साथ आप ये प्रूव कर सकते हो इस आपके एक्सपेरिमेंट से कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल का आपका चारों एंगल को मिलाने से आपका 360 डिग्री होता है, राइट। सो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, स्टे ट्यून्ड।